आप सब साथियों का एक बार फिर से जय भीम की इस यात्रा में स्वागत है। आप सबको मेरा जय भीम। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की साहित्य की यात्रा के साथ साथ आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु माने जाने वाले, कहे जाने वाले ज्योतिबा फुले पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, असल में आज मन बहुत विचलित है और उसका एक कारण है जो मैं आप साथियों को साझा भी करना चाहती हूँ और मेरी संवेदना भी मैं परिवार तक पहुँचाना चाहती हूँ। हमारे संदीप देशराज जी का कल शाम को देहांत हो गया था, इसलिए मन दुखी है, लेकिन साथ ही साथ उनके अंतिम दर्शन करने का भी मुझे अफसोस है कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में होते हुए मैं उनसे कम से कम आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। देशराज जी म्युनिसिपल कमेटी में काम करते थे, अभी पिछले दिनों ही 3-4 दिन पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी कोई छुट्टी नहीं है। मैंने पूछा था कि देशराज जी आप थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए हमारे दामाद दिनेश जी, सागर जी और हमारी बेटी स्वीटी और हमारी बेटी की ननद प्रीति, जिसका दुख मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, वो इसलिए क्योंकि जिस बेटी को ये पता लगे कि उसके फादर नहीं रहे, ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है। मैं जानती हूँ कि प्रकृति का नियम है, जो आया है एक न एक दिन प्रकृति उसको अपनी गोद में संभाल लेती है, लेकिन बेटियां हम होती ही ऐसी हैं, क्योंकि जब तक आप सामने किसी को ना देख लें अंतिम यात्रा में, तब तक अपने आप को एक तरह से वह उस तरीके से नहीं उसको स्वीकार कर पाता। मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मेरे फादर इस दुनिया से गए थे तब भी मैं उनके पास नहीं थी, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानती क्या हुआ था। ठीक उसी तरह जब मेरी माता जी का देहांत हुआ तब भी मैं नहीं थी। इसका दुख, इसका अफसोस, इसका कन्फेशन पूरी उम्र तक रहता है। तो मेरी जो बेटी की ननद है प्रीति, मैं उसके दुख को बहुत साझा तो नहीं करने के योग्य, लेकिन समझ सकती हूँ। आप सब से भी कहूँगी कि मैं इसे दुख की घड़ी में सागर, दिनेश, प्रीति और खासकर उनकी जो जीवन संगिनी थी, जो हर वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रख चलती थी, आज वो अकेली हैं। मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हम उस दुख में भी शामिल नहीं हो पाए, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं देशराज जी के परिनिर्वाण के दिवस पर आज उनको नमन करती हूँ। परिवार इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक जो सीरीज जो हमने साहित्य पर चर्चा करने के लिए चलाई थी, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसमें क्योंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी कविता के माध्यम से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगी। और साथियों, एक चीज़ और मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, जो फुलेवाड़ा है महाराष्ट्र में पुणे में, उस फुलेवाड़े का रेनोवेशन हो चुका है। जो पुराना फुलेवाड़ा था, 2016 में मैं गई थी, उस वक्त तो रेनोवेशन का काम चल रहा था। अनिल जी और विनोद जी, राजेश जी, तीनों चारों लोग मेरे साथ थे। हालांकि उस वक्त वो अलाउड ही नहीं था वहाँ पे जाना, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके फुलेवाड़ा का उनको मैंने देखा था। बहुत उनको देखकर लगता है कि एकदम पूरा का पूरा जो सिनेरियो है हमारे सामने जीवंत हो जाता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि टेक्निकल उस तरीके से मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, मैं चाहती थी कि फेसबुक के मित्रों को भी मैं वो वीडियो दिखाऊँ जो फुले दंपति जिसमें रहते थे, और वो कुआं जो उन्होंने खुद पानी भरने के लिए भी अपने आप बनाया था, वो सारी तमाम चीज़ें मेरे पास उसमें हैं, वीडियो में हैं। लेकिन मुझे फेसबुक के साथ साथ वो वीडियो लाइव करना नहीं आता। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्वच्छकार समाज की आवाज़ में उस वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं इस लेक्चर के बाद आपके सामने रखूँगी। आज की शुरुआत में हम आज सबसे पहले ज्योतिबा फुले की जो रचना है वहीं से शुरुआत करते हैं। ज्योतिबा फुले जी लिखते हैं,
निर्माता ने यदि धरती बनाई, उठाता बोझ भला सभी का, घास पेड़ बोझ उठाता हमारे लिए, वे फल मधुर और छांव भी, सुख सुविधा के लिए चारों ओर फेरा, रात और दिन सब वही करता। मानव के धर्म न हो अनेक, मानव के धर्म न हो अनेक, निर्माता वही एक ज्योति कहे अखंड। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है राजवंशी जी? अब शायद मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही होगी। हम ज्योतिबा फुले जी की जो जो कविता है उसका पाठ कर रहे थे। जीव प्राणियों की सुख सुविधा के लिए बनाया वर्षा को और नदियों को, उनका सारा जल तेजी से बहता, जल पहुंचाते सभी प्राणियों को, सागर से व्यापार करते, सुख लेते देते आपस में, मानवों के लिए कई धर्म कैसे, क्यों हो गए पागल, ज्योति कहे अखंड। एक सूरज सभी को प्रकाश देता, एक सूरज सभी को प्रकाश देता, धंधे से लगाता प्राणियों को, मानव और सभी प्राणियों का जीवन, सभी का पालन वही करता, सभी को सुख देता पिता के समान, नहीं रखता दूर किसी एक को, मानवों का धर्म एक ही चाहिए, सच्चाई से चले, ज्योति कहे अखंड। एक चंद्रमा, अर्जुन जी को मैं धन्यवाद दूंगी, उन्होंने बता दिया कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक चंद्रमा नित भ्रमण करता, सभी को सुख देता अंधेरी रात को, उतार चढ़ाव सागर को देता, जल को हिलाता खार के साथ, जल वही मीठा बादलों से आए, समाधान करता सारे प्राणियों का। मानवों के लिए कई धर्म कैसे, क्यों हो गए पागल, ज्योति कहे अखंड। सभी के लिए वायु बनाया खास, सभी के लिए वायु बनाया खास, लेते सांस प्राणी सारे, पेड़ पौधे और सभी का जीवन, करता वह पालन दुनिया का, वायु की वजह हवा शुद्ध होती, प्राणी को सुख देती, ज्योति कहे मानवो तुम सत्य धर्म को अपनाओ, निर्माता के गुण गाओ, ज्योति कहे अखंड। ये ज्योतिबा फुले द्वारा रचित कविता का वाचन मैंने किया। कल राम बाबू गौतम जी जो हमारे अंबेडकरवादी साथी हैं, न्यूयॉर्क से हैं, उन्होंने कविता मुझे लिखने के बाद हाथ से लिखी हुई भेज दी थी, मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी। और हमारे अंबेडकरवादी साथी को कहीं ये ना लगे कि मैंने उनकी कविता का वाचन नहीं किया, आज फिर से उनकी कविता जो मैं कल नहीं पढ़ पाई थी आप दर्शकों को वाचन करना चाहते हैं। उनके कविता का शीर्षक है सारा बचपन। जीवन का सारा बचपन भरकर ऐसी वह नाव चली, तपी दोपहरी पूर्व में पर अमरीका में वह सांझ ढली। रामबाबू गौतम जी वाशिंगटन डीसी में रहते हैं और कविता रचते हैं कॉलेज के समय से। उनकी कविता का संग्रह भी आ चुका है जो उन्होंने मुझे 2012 में जब मैं न्यूयॉर्क में गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर करवाया था कामले साहब ने जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके लिए भी मैं उनके परिनिर्वाण को नमन करती हूँ। ऐसे अम्बेडकरवादी हमारे समाज में और ज्यादा पैदा हों इसकी कामना करती हूँ। आगे राम बाबू गौतम जी लिखते हैं मीलों दूर चली माँ की ममता पर साथ रही दादा की तरुणाई जला न चूल्हा जिन शामों पर याद रही पाकों की तन्हाई जलती शामों के कुतहल पर नींद ने भी ना शाम सजाई व्याकुल बचपन निखरा फिर भी यादों की ना मनुहार चली जीवन का सारा बचपन भरकर ऐसी वह नाव चली कोसों दूर रही आशा मन मार मार कर ओढ़ी रातों ने सुनी रसवाई करवट बदली कई सपनों ने पर अर्ध चंद्र लेकर आ बैठी अंगड़ाई जलते नहीं दिए जिन शामों पर जलते नहीं दिए जिन शामों पर शाम नहीं होती लगती है मुरझाई सूनेपन को कोस कोस कर भी
बढ़ती बचपन की ये उम्र चली, जीवन का सारा बचपन भरकर ऐसी वह नाव चली। याद है यह बीते दिन जिन पर, याद आज तक एक न मुरझाई, आज खड़ा हूं जिस धरती पर, देख ली ये उसकी भी रुसवाई। पर ना भूला बोछारों के क्षण, जब माँ की ममता ने आंख भिगोई, जब माँ की ममता ने आंख भिगोई। यादों के खारेपन के जीवन में सपनों की यादें भी यहां गई छली, जीवन का सारा बचपन भरकर ऐसी वह नाव चली, तपी दोपहर पूर्व में पर अमेरिका में वह सांझ ढली। ये रामभव गौतम जी थे जो हमारे बीच में थे। ज्योतिबा फूले का जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मेरे सामने है, वह जिसके लिए एक स्त्री होने के नाते भी मैं सबसे ज्यादा जिनके जिनको और ज्यादा मेरी नजरों में उनका सम्मान और उनकी क्रांति वीरता बढ़ जाती है, वो थी नारी स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रेरणा स्रोत ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की किताबें ज्योतिबा फूले रचनावली, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले का सामाजिक दर्शन डॉक्टर सरोज आगलावे में लिखा है, और शांति स्वरूप बोध द्वारा सावित्री बाई फूले की जो सचित्र जीवनी है उसके ऊपर इन चार पांच किताबों का हम एक तरह से इस बातचीत में अपनी अध्ययन करना चाहेंगे। ज्योतिबा फूले रचनावली एल जी मेश्राम विमल कृति ने संपादित की है, जिन्होंने ज्योतिबा फूले के उन सारे पहलुओं को छुआ है जो एक तरह से उस समय के तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उस समय का एक संजीव चित्रण हमारे सामने कर देते हैं। नारी पुरुष जन्म से ही समान है, पुरुषों के समान ही नारियों को भी मानवीय अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा ज्योतिबा फूले का मानना था। ब्राह्मण ग्रंथों ने नारी को गुलाम बनाया, नारी को गुलाम बनाने वाले ये सभी धर्म ग्रंथ झूठे हैं। जिन ग्रंथों में महिलाओं के बारे में जो गुलामी की ओर जो एक तरह से इशारा किया गया, उन ग्रंथों के बारे में ज्योतिबा फूले का साफ मानना था कि ऐसे ग्रंथ झूठे हैं। इसलिए नारी को मानवीय अधिकार मिलने चाहिए, नारी पर लाए गए बंधन अमानवीय हैं। नारी को धार्मिक, सामाजिक गुलामी, मानसिक, बौद्धिक से मानसिक और बौद्धिक गुलामी से मुक्ति पानी होगी। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा के बिना उसका मानसिक और बौद्धिक विकास हो ही नहीं सकता। इस प्रकार नारी स्वतंत्रता के संदर्भ में अत्यंत मौलिक परिवर्तन ज्योतिबा फूले ने प्रस्तुत किए थे। तमाम उस दौर के जितने भी हमारे सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने समाज की अगुवाई की है, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में जो एक तरह से सामंजस्यपरक एक दृष्टिकोण अपना कर रखा था, लेकिन ज्योतिबा फूले उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। इसलिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो विश्व ज्ञान के प्रतीक हैं, वो ज्योतिबा फूले को एक तरह से उनका जो एक विजन था, समाज को देखने का जो नजरिया था कि हमें सामंजस्यपरक दृष्टिकोण नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत परिवर्तन चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं जो मनुष्य को मानवता का दर्जा दें, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अछूत हो, बहुजन हो, महिलाएं हो, और न केवल दलित बहुजन समाज की महिलाएं बल्कि वो तमाम महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग क्षेत्र से आती हो, उन सारी महिलाओं के लिए ज्योतिबा फूले का जो मूलगामी परिवर्तन समाज का था, दृष्टिकोण जो देखने का नजरिया था, वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। ज्योतिबा फूले केवल नारी का विचार प्रस्तुत करके ही नहीं थमे थे, बल्कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नारी शिक्षा का कार्य भी किया था। इसके लिए उन्होंने कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो, केशव जो विधवा विवाहों का जो विधवा महिला का जो केश कटवा दिए जाते थे, पर्दा प्रथा हो, हाँ मुझे केश काटने के प्रथा के आंदोलन की बात याद आती है जो ज्योतिबा फूले ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, कि जो हम जो बाद में जो बाबा साहब अम्बेडकर भी उसको कहते हैं, जब कोई भी भारतीय समाज की महिला जब विधवा हो जाती तो उनके बालों को काट दिया जाता था, तो ज्योतिबा फूले ने इसका बहुत अच्छा तरीका निकाला था। उन्होंने क्या किया था, उन महिलाओं का या उन कुरूतियों का विरोध करने के बजाय उन्होंने जितने भी नाई बाल काटने के लिए जाते थे उन नाइयों की हड़ताल करवा दी,
कि कोई भी नाई ऐसी किसी भी महिला के बाल नहीं काटेगा। ये बहुत बड़ा एक एक सोच थी, एक विजन था जिसको हमें देखने की जरूरत है आज ज्योतिबा फुले के इस बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। जो जितनी भी तमाम ये प्रथाएं मैंने दी, मतलब अपरदा प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, बहुपत्नी प्रथा हो, जितनी भी अमानुषीय प्रथाएं थी, वो सारे के सारे भारतीय नारी की दुर्दशा जो गुलाम से भी बदतर एक तरह से बना दी गई थी, उनका विरोध ज्योतिबा फुले ने जमकर किया था। विधवा विवाह, बाल विवाह, प्रतिबंधक गृह आदि अनेक नारी सुधार के संदर्भ में ज्योतिबा फुले ने एक तरह से बहुत सारे काम किए। नारी पुरुष समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा फुले ने नारी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत स्वयं अपने घर से की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि घर से शुरुआत की थी। हम मानते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि समाज परिवर्तन के लोग पैदा तो हों लेकिन अपने घर में ना हों बल्कि दूसरों के घर में हों। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ाया। आप देखिए कि पूना के आसपास जब ये शादी हुई वो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक था, और जब आसपास लोग और गांव के लोग सभी ज्योतिबा फुले के जो विवाह हुआ था उसको बड़े चाव से समारोह में शामिल हुए थे। और उस समय नायगांव इलाके में अभूतपूर्व उत्सव ये था। खंडोजी पाटिल, गोविंद राव फुले और सगुना बाई ने जिस विवाह समारोह में आए सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत किया था। जब ज्योतिबा फुले का सावित्री बाई फुले से विवाह हुआ, इस विवाह समारोह में भोजन आदि के अवसर पर अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव खत्म हो गया था। असलियत में सावित्री बाई फुले का विवाह समारोह उस जमाने में अप्रतिम और अनोखा साबित हुआ था। उनकी असली चिंता, जो ज्योतिबा फुले की जो असली चिंता थी, वो नारी की दुर्दशा और दुर्गति को लेकर थी। ये हमें तमाम जितने भी हमारे ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं ज्योतिबा फुले पर, चाहे गुलामगिरी लिखना हो या विमल कीर्ति जी ने जिनका संपादन किया है फुले रचनावली है, उन सारी चीज़ों में हमें तमाम दिखाई देता है कि महिलाओं की दुर्दशा के बारे में उनका जो मूलगामी जो सोच थी वो एक बहुत बड़ी प्रगति की तरफ इशारा करती थी। और सबसे बड़ी बात, सावित्री बाई क्या मिली ज्योतिबा फुले से? दुखी नारी और वंचित दलित समाज को ब्राह्मणवादी शोषण की कुचालों और षड्यंत्रों से छुटकारा दिलाने के लिए दोनों ही व्यवस्था परिवर्तन में कूद गए थे। ये एक बड़ी एक होती, जब दो जो महाशक्ति एक तरह से थी उन दोनों का जब मिलन होता है तो कैसे पूरी नारी जाति के लिए पूरा का पूरा एक उत्थान का एक समय ज्योतिबा फुले के समय में शुरुआत हो जाता है। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की शादी वास्तव में समाज सेवा के महान कार्य के लिए समर्पित जीवन संघर्ष में लगने वाले दो प्राणियों का एक तरह से मिलन था। इसमें दोहराए नहीं कि इन दोनों ने अपने और अपने परिवार के सुख दुख की चिंता न करते हुए देश से शोषित, पीड़ित और वंचित अति शूद्रों के उत्थान की दिशा में एक अभूत पूर्व और क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो समाज सुधार आंदोलन की दिशा में मील का पत्थर आगे साबित होता है। सावित्री का साथ पाने के बाद ज्योतिबा फुले का भी जो काम करने का जो था एक जनून था वो दुगना हो गया था। नव दंपति ने दीन दुखियों की सेवा करने के लिए बहुत सारे सपने देखने शुरू किए। स्पष्ट है कि इन दोनों महापुरुषों के मिलन के साथ ही भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात हुआ, जिनकी बदौलत महिलाएं आगे बढ़ी। ज्योतिबा फुले अनुभव कर रहे थे कि सावित्री बाई के पिता ज्योतिबा फुले शादी के समय जो सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन वे एक स्वस्थ और मजबूत कदकाठी के मालिक थे। कहने का अभिप्राय यह है कि दलित और बहुजन समाज को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक अपना खुद का स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा तब तक वो समाज सेवा का कार्य भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्योतिबा फुले बहुत उत्साहित थे, उमंग से भरे हुए थे, पढ़ना लिखना अधिक भाता था उन्हें, हरदम चाहते थे कि समाज में बदलाव आना चाहिए, इसलिए वे कुछ नया काम करने को सदा तत्पर रहते थे। अंग्रेजी शासन के कार्य को देख कर भी उन्होंने निश्चय किया अपने समाज के लोगों को उन्नत बनाएंगे। वे अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी राज के नियमों कायदे कानून से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने अंग्रेजों और ब्राह्मणों के गठबंधन को बखूबी पहचान लिया था। इतिहास के अध्ययन से यह निष्कर्ष पर वे पहुंच गए थे कि ब्राह्मणों और सवर्णों की उन्नति का राज
सत्ताधारियों के साथ जुड़ाव में ही निहित है। वे जानते थे कि उनकी जाति और समाज छुआछूत का बुरी तरह से शिकार है। उस समय ब्राह्मणों और पेशवाओं के सितम से अछूतों और शूद्रों का जीवन नरक जैसा था। शूद्रों को गले में हांडे लटकाकर चलना पड़ता था। और मैं याद करती हूँ कि ये वो शासन था जब पेशवा राज भारत में अपना राज स्थापित कर रहा था। पेशवाई समाज शूद्रों और अति शूद्रों को कैसे गले में हांडी लटकाकर चलता, ये आप देख सकते हैं। आजकल भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जी टीवी आई थिंक ऐसा कुछ चैनल का नाम है, भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आजकल सीरीज आया, उसमें भी अम्बेडकर साहब के सामने, जब अम्बेडकर बहुत छोटे हैं, उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कुछ महारों को, कुछ शूद्र अति शूद्रों को गले में हांडी और पीछे पीठ पर झाड़ू लगा के दिखाया गया, जिसे वो बहुत डर भी जाते हैं। ये वहीं से था। उस समय ब्राह्मणों और पेशवाओं के सितम में अछूतों और शूद्रों का जीवन नरक जैसा था। शूद्रों को गले में हांडी लटका के चलना पड़ता था, ताकि वे थूके तो उनका थूक हांडी में ही गिरे, कमर में झाड़ू बांधना चाहिए। यस, एक चीज और मजेदार बात यह हुई कि अभी आज हम जानते हैं कि हम लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और तमाम विश्व में एक आपातकाल, एक तरह से यह है आपदा का समय है। अभी ट्विटर पे ये सूचना बहुत शिद्दत से फैली कि जितने भी जो ऐसे मतलब जो एरियाज हैं जहाँ कोरोना के संक्रमण के लोग पाए जा रहे हैं, उनको रास्ते में थूकने का अधिकार नहीं है। आप ये सोच के देखिए कि एक पूरी जमात जिसको सदियों तक हांडी लटका के चलना पड़ता था ताकि उनका थूक गिरे तो हांडी में गिरे, आज पूरा का पूरा वो जो पूरा भारतीय समाज है कोरोना के वायरस के चलते, हालांकि उद्देश्य अलग अलग हैं लेकिन स्थितियां तो एक जैसी ही हैं। कि कैसे फीलिंग आती है जब आपको कहा जाता है कि डोंट स्पिट इन एयर, ठीक वही स्थिति जो पेशवाई समाज में थी, जो शूद्र अति शूद्रों को गले में हांडी डालकर चलना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे। प्रकृति हिसाब बराबर करती है, मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रकृति के ऊपर विश्वास करती हूँ। समय बदलता है और ये समय बदलने की ही आहट है। जो शूद्र जो अछूत सदियों से इससे मतलब इसका जहर पीते आए थे, आज इस कोरोना वायरस के चलते आज वो भी इसी दुख को इसी को अनुभव करके देखेंगे। मैं बिल्कुल एकदम भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे तमाम भारतवासियों से यह अपील करती हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना को का इलाज हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहे वही है, लेकिन इतिहास को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया है कि जो अधिकार हमारे एक वक्त में नहीं थे आज वही अधिकार आपके पास भी सुरक्षित नहीं है, भले ही वह कोरोना के माध्यम से क्यों ना हो। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कमर में झाड़ू बांधना इसलिए अनिवार्य था कि वे अपने पैरों के निशान को साफ करते चलें। यदि कभी वे गांव में जाना चाहते तो जोर से चिल्लाना पड़ता था, हट जाओ शूद्र आ रहा है। जरा सी गलती पर उनको भयानक उत्पीड़न होता था। यह सब देखकर ज्योतिबा फूले का हृदय फटने लगता था। मुझे याद आता है न्यूज 24 की एंकर अनुराधा जी ने एक बार इसके ऊपर बातचीत करते हुए कहा था कि ये वो वक्त था जब ना केवल जो हमारे जो शूद्र और अति शूद्र है, बल्कि कोई भी सवर्ण हिंदू अगर किसी को शूद्र को महार को गलती से भी अपने काम पर रख लेता था या अपने घर में प्रवेश करवा देता था तो ये समाज उस सवर्ण जाति के व्यक्ति को भी दंडित करता था। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, आप अनुराधा जी की एंकर का जो एंकरिंग की थी जिन्होंने उसमें आप ये चेक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से सामाजिक स्थितियाँ थी उनको देख कर ज्योतिबा फूले समझ चुके थे कि ये समाज कैसा है। वे अपने समाज के सफल योजनाकार थे, प्लानिंग करने वाले थे। वे जानते थे कि लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ सकता है। उनका मन समाज परिवर्तन हेतु संघर्ष के लिए उठ खड़े होने के लिए अंगड़ाइयां ले रहा था। यह सच है कि विवाह के समय 9 साल की सावित्री बाई इन पूरी बातों को, उनके विजन को समझने में एक तरह से असमर्थ थी, लेकिन ज्योतिबा फूले का साथ जिस तरीके से सावित्री बाई फूले ने दिया था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। मैं उसको ऐतिहासिक घटना की तरह देखती हूँ।
किस तरीके से ज्योतिबा फूले ने सावित्री बाई फूले को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, ये आज हम ज्योतिबा फूले पर चर्चा के साथ साथ सावित्री बाई फूले पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि सावित्री बाई फूले ने खुद ये माना था कि अगर ज्योतिबा ना होते तो सावित्री सावित्री नहीं होती, और अगर सावित्री ना होती तो ज्योतिबा ज्योतिबा नहीं होते। तो यहाँ से उनकी जो शिक्षा जो शुरू होती है सावित्री बाई फूले की, तो हम ज्योतिबा फूले की इस जयंती के अवसर पर सावित्री बाई फूले, तो क्योंकि एक रथ के दोनों पहिए थे, दोनों साथ में जुड़ते थे तो वो समाज के लिए परिवर्तनकारी काम कर पाए थे, तो किस तरीके से प्रेरणा देते हैं सावित्री बाई फूले को, मैं उसके ऊपर भी आपके बीच में बात करना चाहती हूँ। जो सगुणा बाई के प्रयास थे, सन 1843 में ज्योतिबा फूले मिशन स्कूल में पढ़ाने को जाने लगे थे। मेधावी और बेहद परिश्रमी तो ज्योतिबा फूले थे ही, उन्होंने सारी की सारी पाठ्य पुस्तकें पढ़ ली थी। सगुणा बाई अच्छी अंग्रेजी बोल लेती थी लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ पाती थी। धीरे धीरे ज्योतिबा भी अधिक किताबें पढ़ने लगे थे, तो एक दिन उनके मन में आया कि काश ये किताबें उनकी जाऊ भी पढ़ती, उनमें भी स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी थी। वे अक्सर सोचते जिनके हाथ पालने की डोरी वह जगत की उधारी, देखिए कोटेड है, जिनके हाथ पालने की डोरी वह जगत की उधारी। ऐसे मन में विचार आने के बाद क्यों ना सावित्री बाई फूले को मैं पढ़ाऊं, ज्योतिबा फूले ने ऐसा सोचा। देखिए कैसी युगंतकारी घटना है कि जिनके हाथ में पालने की डोरी वह जगत की उधारी बन सकती है, वह मेहनती है जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख लेगी, ऐसा ज्योतिबा फूले के मन में आया। उन्होंने मन की बात सावित्री बाई फूले को बताई। पहले तो वह इस उम्र में पढ़ने की बात सोचकर हंसने लगी, लेकिन काफी समझने के बाद सावित्री बाई पढ़ने को तैयार हुई। धीरे धीरे वह पति की बातों में रुचि लेने लगी, और पढ़ाई के बगैर मनुष्य अधूरा है वह इस निष्कर्ष पर अब पहुंच चुकी थी। अब पढ़ाई निश्चित ही आवश्यक है। बचपन में जब सावित्री को एक दिन ईसाई पादरी ने किताब दी थी तो उसे महसूस हुआ था कि हर लड़की का पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन उन दिनों यह संभव नहीं था। तब उसे महसूस हुआ था कि हर लड़की को पढ़ना लिखना चाहिए। ससुराल में घर के कार्यों से वह ऐसे जुड़ गई थी कि अब तो घर गृहस्थी ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। सावित्री बाई फूले फिर से पढ़ने की बात अब सोचने लगी थी, लेकिन पति की प्रेरणा उसके लिए और ज्यादा इसका काम करने लगी थी। अब यह सवाल आया कि वे किस स्कूल में जाए और उन्हें पढ़ाएगा कौन। काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि वह घर में ही पढ़ाई शुरू करेगी। इस तरीके से ज्योतिबा फूले ने सावित्री बाई फूले की घर में पढ़ाई करना शुरू किया। सभी जातियों के लोगों के लिए फिर उन दोनों ने आगे बढ़ते हुए समान शिक्षा के लिए प्रयास किया। यद्यपि फूले दंपति के मन मस्तिष्क में शूद्र अति शूद्र महिलाओं की शिक्षा के प्रति गहरी चिंता थी, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने जाति का दायरा कभी संकीर्ण नहीं बनाया। उन्होंने कभी भी स्त्री को जाति के खांचे में नहीं बांटा। उन्होंने तो ब्राह्मण स्त्रियों के कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। सन 1848 में बुधवार पेठ में स्कूल खोलने के बाद 18 सितंबर 1851 को पूना के रास्ता पेठ में फूले दंपति ने लड़कियों के लिए एक, और 15 मार्च 1852 को बताल पेट में तीसरा स्कूल प्रारंभ किया। वे स्कूल कम समय में ही प्रगति के सभी सोपानों को पार कर, इससे प्रभावित होकर लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर राजी होने लगे। शिक्षा प्राप्त करना अब जरूरी हो गया था। यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार नीति, बोध कथा, बाल कथा, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, थैंक यू अंकित, आज अंकित जी आपने मुझे कहा कि इस तरीके से सीखने को के लिए मिल रहा है, मैं भी आप सबके साथ सीख रही हूँ, हम लोग अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि उनका पूरा पाठ्यक्रम था जिनसे मानचित्रों के माध्यम से भी अच्छी जानकारी मिलती थी। एक दिन पूना विश्वविद्यालय के एक अंग्रेज अधिकारी पोलर कैंडिन स्कूल को देखने आए। साफ सुथरे और अनुशासित बच्चों को देखकर वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने फूले दंपति को उनके कार्य के लिए बधाई दी और कहा कि जो काम बड़ी संस्थाएं भी नहीं कर पाती हैं उसे आपने कर दिखाया है।
पोलर कैंडी ने एक जगह लिखा है कि स्कूल की लड़कियों की कुशाग्र बुद्धि और प्रगति देखकर मुझे बहुत संतोष मिला। धीरे धीरे फूले दंपत्ति ने 18 स्कूल खोले। इनमें ज्योतिबा, सगुणाबाई, सावित्रीबाई समेत अनेक अध्यापक शिक्षक कार्य करते थे, लेकिन इसमें जितने लोग लाभान्वित हो रहे थे उससे कई ज्यादा लोग इनके खिलाफ कुप्रचार करने में भी जुड़े हुए थे। अंकित जी, मेरे पास शांति स्वरूप बौद्ध की किताब है जो उन्होंने लिखी हुई है, जिनके साथ जिनकी बातचीत में साझा कर रही हूँ। गुलामगिरी मेरे पास है और ज्योतिबा फूले रचनावली, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज और साझा करना चाहती हूँ कि मुझे ये एक तरह से अवसर मिला है कि ये तीन पेज का जो जिक्र ज्योतिबा फूले ने किया है, अभी मैंने जिनके जिनका जिक्र किया, ये तीनों स्कूल मैंने पुणे के देखे हैं। आप जाइए कभी महाराष्ट्र और देखिए कैसी अनुभूति होती है जब आप उन चीजों को देखते हैं, जहां पर सावित्री बाई फूले जहां बैठकर पेड़ के नीचे पढ़ाती थी, जहां पानी निकाल कर पीती थी, जहां आसपास का जो माहौल है जब आप उसको देखते हैं तो आपको आपका सिर अपने आप झुक जाता है और गर्व से सीना आपका चौड़ा है कि हम उनकी संतान हैं, उनकी हम संतानें हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए बल्कि तमाम जो भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे। तो मुझे ये अवसर मिला है और ज्योतिबा फूलेवाड़ा का अब क्योंकि रेनोवेशन हो चुका है, मैं एक व्यक्तिगत रूप से अपनी बात एक साझा करना चाहती हूँ, और वह ये कि रेनोवेशन भी बहुत जरूरी है, नो डाउट रेनोवेशन उस चीज को कायम करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रेनोवेशन के बहाने एक तरह से परिवर्तन कर दिया जाए और आने वाली पीढ़ी उसको उसकी जो असली जो जगह है वो देख ही ना पाए, इसके मैं एक तरह से खिलाफ हूँ। ये मेरा मानना है, मेरा मत है, मुझे अपना मत रखने का अधिकार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेनोवेशन के बहाने हम जो मौलिक जो चीज़ है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को अगर आप देखें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हमेशा ऐसी आपको दिखाई देगी संसद की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे चित्रों में आपको ऐसे वो दिखाई देगी। ये एक बड़ी विडंबना है कि आपने अपनी सोच के माध्यम से उनकी ऐसे सीधी उंगली को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। तो ये जो परिवर्तन हो जाते हैं, स्लाइटली जो परिवर्तन होते हैं, ये एक तरह से मौलिकता को खत्म करने में योगदान देते हैं। इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी 2016 में जब मैं पुणे में गई, अनिल जी खासकर और विनोद जी ने भी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट की जो वहाँ के प्रबंधक थे, मुझे देखने की बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी और मैंने उसकी वीडियो भी थोड़ी सी बनाई है, मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज उसको जरूर देखें। वो इसलिए क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगे देख के कि जिस जगह पर फूलेवाड़ा में दोनों दंपत्ति रहते थे कैसे वो विद्यार्थियों को जहाँ बैठ कर पढ़ाते थे वो सारा वीडियो में एक तरह से आपको दिखाई देगा। उनकी रसोई कहाँ रसोई बनाती थी सावित्री बाई, और कहाँ वो पानी बिल्कुल एकदम पास के कुएं में ही, जिस कुएं को जब ये बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग विषय है कि वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने पानी भरने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि हर तरह की जाति के लड़कों और सबसे बड़े शिक्षा महिलाओं के लिए जब पढ़ाना शुरू किया तो एक तरह से अपराध की श्रेणी में एक तरह से आता था, और ये अपराध सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले कर रहे थे, तो उन्होंने पानी उनके कुओं से पानी लेने के लिए मना कर दिया था। तब ज्योतिबा फूले ने कुआं खोदा था और वो कुआं है आज भी, मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आज इस बातचीत के बाद कुछ अपलोड भी करूंगी तो आपको देखने की जरूरत है, बहुत अच्छा लगेगा आप जब उसको देखेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले को घर से काफी घर में गए काफी अरसा हो चुका था, तमाम संकटों बाधाओं परेशानियों झेल कर भी फूले दंपति ने स्कूल अपना जारी रखा था, जिसके लिए उनको घर से निकाल तक दिया गया था हम जानते हैं, लेकिन वो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, उनकी प्रशंसा करने लगे थे लोग धीरे 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 धीरे। गोविंद राव को भी समझ में आने लगा था कि उनके बहू बेटे सही राह पर चल रहे हैं, वही गोविंद राव जिन्होंने लोगों के बहकावे में आकर अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया था, साथ ही साथ उनको अब ये समझ में आने लगा था कि लोग मतलब जो वहाँ के जो पेशवाई जो समाज हैं वो उनकी उनकी चाल अब उनको समझ में आने लगी थी। इसके बाद वे बहू बेटे को मनाकर घर ले आए और उन्होंने इस बात को गौरव बोध होने लगा कि बहू बेटे समाज के लिए काम कर रहे हैं।
वो अब तक किसी से भी किसी ने भी ऐसा ऐसा अब तक किसी ने भी नहीं किया था कि घर में सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन अब गोविंद राज को दूसरी चिंता ने घेर लिया था। अभी तक ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले माँ नहीं बन पाई थी। मैं इस बात पर खास कर आपके सामने फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि आज भी एक तरह से महिलाओं को जो बंजर जमीन कहा जाता है, महिलाओं को जो ये कहा जाता है कि जो जो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो तो बांझ है, उसका तो मुख देखना ही अपशकुन है अपने आप में। मतलब मानो कि संतान सुख, नो डाउट संतान सुख एक सुख है, सुख तो है ही, संतान सुख एक सुख तो है ही अपने आप में, लेकिन महिला का व्यक्तित्व सिर्फ इसी आधार पर महिला होने के नाम को प्रूव करे या व्यक्ति होने के नाम को प्रूव करे कि वो माँ बने। मतलब एक तरह से आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल मतलब एक ऐसी एक तरह से चीज है कि आप एक मनुष्य को उसकी मनुष्यता चाहते हैं अगर वो माँ बाप नहीं बन पाते तो? देखिए मैं इसके पक्ष में हूं कि अगर महिला या पुरुष दोनों ही दंपति ना चाहे तो उन्हें संतान रह सकते हैं, तो जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग जिन्होंने महान काम किए हैं उन्हें संतान अपनी मर्जी से भी रहे हैं, और कुछ ये भी हुआ कि नेचुरल तरीके से कुछ रहा होगा जो माँ बाप नहीं बन पाते होंगे, लेकिन उसका दोषारोपण सिर्फ और सिर्फ स्त्री को कहा जाए इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि जिस तरीके से हमारे भारतीय समाज में, मैं एक छोटी सी घटना मेरी अपनी ही बताना चाहती हूँ। मेरी जब शादी हुई तब मैं पढ़ रही थी, मेरी शादी के अगले दिन ही मैं चली गई थी पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए मैं बीएड का एग्जाम दे रही थी। उस दिन शादी से एक दिन पहले ही घर पे पहुंची थी, शादी करवा के ससुराल फिर चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहीं भी अपनी किताब को एक तरह से अपने अपनी पढ़ाई को बीच में रोका ही नहीं। शादी मेरे लिए एक कार्य की तरह था कि ये भी दूसरे जरूरी। उसके बाद फिर मैं जेएनयू तक मैंने सफर किया, तो तब तक मैं भी, हमने चाहे ही नहीं कि हम अपनी संतान का पैदा करें। लेकिन इस दौरान जो कटाक्ष जो सुनने के लिए मिले थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो इस रूप में जाते थे क्योंकि मेरी देवरानी की शादी, मेरे देवर की शादी मेरे से बाद में हुई और मेरी देवरानी की संतान मेरे से पहले हुई। तो एक तरह से धीरे धीरे समाज में ये उठने लगे सवाल। तुरंत बाद ही 2001 में मेरी शादी हुई, 2005 में मेरा बेटा हुआ, 2002 में मेरी शादी हुई, 2005 में मेरा बेटा हुआ। तो लोग ये मानने लगे थे कि जैसे कि मैं माँ नहीं बन सकती, जबकि उनको कौन समझाए कि हम बनना ही नहीं चाहते थे। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि किस तरीके से समाज कटघरे में खड़ा करता है महिलाओं को, पुरुषों से कभी सवाल का जवाब नहीं करता। इस मामले में ज्योतिबा फूले का जो है वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। वो मेरी तमाम जो महिलाएं हैं और हमारे तमाम पुरुष मित्र जो हैं, जो आज मेरी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, वो ज्योतिबा फूले के इस वाक्य को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था जब उनके सामने यही प्रश्न आया। माँ बाप की चिंता होती है, उन्होंने दबी जबान से ज्योतिबा फूले को समझाने की कोशिश भी की और ये भी कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। एक दिन उन्होंने खुलकर कह भी दिया कि गोविंद राव ने कि आप दूसरी शादी कर लो। यह बात ज्योतिबा के लिए असहनीय थी। जिस सावित्री बाई को उन्होंने अपने साथ कदम कदम पर पाया था उसके प्रति ऐसा तो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे, चाहे वह औलाद का ही मामला क्यों ना हो। मुझे लगता है थोड़ी सी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, आज समझ नहीं आ रहा आवाज को हुआ क्या है। नेटवर्क की तो प्रॉब्लम है ही, इसलिए शायद आप सबके सामने आवाज मेरी कम आ रही है। और शायद अब सतीश चौहान जी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, सतीश चौहान जी बताएंगे कि क्या आवाज क्लियर आ रही है अभी, क्योंकि हम ज्योतिबा फूले के जीवन के पक्ष का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्योतिबा फूले जो जो निसंतान एक तरह से कहलाए जाने लगे थे अपने चारों तरफ, वो बेचैन होने लगे थे कि किस तरीके से सावित्री बाई फूले की जगह पर वो अपनी उनके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा है। वे इतने बेचैन हो गए थे कि एक बार तो उनके पिता ने ब्राह्मणों के बहकावे पर उन्हें घर से निकाल दिया था। बच्चे का फितूर इस तनाव में वो घर से निकल मुठा नदी की ओर चल पड़े। वे समझ नहीं पा रहे थे पिता से क्या कहे। अचानक उन्होंने नदी के किनारे जाती एक औरत को देखा। उसके हाव भाव से लगा कि वह आपे में नहीं है। उसके पास जाकर उन्होंने पूछा तो पता चला कि वह तो नदी में डूब मरने के लिए आई। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा कि वह आत्महत्या ना करे, यह पाप है। और ज्योतिबा फूले समझा जाकर उसे अपनी
धर्म पुत्री बनाकर उसे अपने घर ले आए। दूसरी चीज, आवाज नहीं आ रही, उसके हाँ मैं ये बताना चाहती थी कि सावित्री बाई फूले के मतलब ज्योतिबा फूले के ऊपर जब इस चीज का दबाव बना उसके ऊपर मैं आपके सामने बातचीत करना चाहती थी। और वो ये थी कि सावित्री बाई फूले ज्योतिबा फूले को जब ये कहा गया कि दूसरी शादी कर लो क्योंकि सावित्री बाई तुम्हें संतान नहीं दे सकती, तो ज्योतिबा फूले का जो जवाब था वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए, मेरे तमाम मित्रों को भी समझ आना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि सावित्री बाई का विवाह कर देते हैं, उनसे जो संतान होगी वो हमारी अपनी होगी। अब ये देखिए कि ये बहुत युगंतकारी घटना है कि ज्योतिबा फूले ने तुरंत ये जवाब दिया कि ठीक है सावित्री बाई फूले का हम विवाह कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस समय जिस तरीके से घर में जो एक तरह से जो ये माना जाता है कि संतान का जो कारण, निसंतान होने का जो कारण है वो केवल उसकी अपनी पत्नी ही हो सकती है, तो ज्योतिबा फूले अपने पिता को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि हो सकता है कि ये कमी मेरी हो, सावित्री बाई माँ बन सकती है, तो इसलिए क्यों ना हम सावित्री बाई का विवाह कर देते हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण घटना थी उस समय की। तो ज्योतिबा फूले ने जिस तरीके से स्टैंड लिया था उस वक्त वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। ज्योतिबा फूले उस लड़की को अपने घर ले आते हैं, उसका नाम काशीबाई था और वह 6 महीने की गर्भवती थी। तो बाद में अनंतर में उन्होंने बता ही दिया था कि ये मेरी धर्म पुत्री है, पुत्री है, तो वो जो बच्चा होने वाला था उसको फिर अपना लिया एक तरह से, और बाद में वह उसका बाद के दिनों में उसका वारिस भी बनता है, ये हम सब जानते हैं। अब हम आते हैं कि ज्योतिबा फूले का जो पड़ाव था, जो पूरी एक यात्रा थी वो कहाँ तक आती है। उससे पहले मैं उस पड़ाव तक पहुँचूँ मैं ये आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जो ज्योतिबा फूले थे उन्होंने जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं था जो अछूता रहा उनकी नज़रों से। वे एक युगंतकारी थे। महात्मा का मतलब महान है आत्मा जिसकी, केवल इतना ही नहीं था बल्कि वो काम जो केवल एक ऐसा क्रांति योद्धा कर सकता है, ऐसे महान क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले अपने दायित्व को इस तत्परता से निभाते थे कि उनका निजी जीवन बिल्कुल सिमट सा गया था। सादगी उनकी जीवन शैली का प्रधान अंग थी। खाने पीने सोने को भी उन्होंने एक गुण क्रम मान लिया था। एक तरह से उनका जीवन समाज को पूरी तरह समर्पित था। इसका उनके शरीर पर उल्टा असर हुआ। जुलाई 1888 में ज्योतिबा को दिल का दौरा पड़ा और उनके दाएं हिस्से में पक्षघात हो गया। लगातार 4 दशकों तक शूद्रों की सेवा में रत जुझारू योद्धा और मनीषी का जीवन सिमट कर रह गया। वे बिस्तर पर जा लगे लेकिन वे इतने कर्मवीर थे कि बिस्तर पर लेटे हुए भी उन्हें चैन नहीं था। बीमार में उनका मस्तिष्क निष्क्रिय नहीं हुआ था, वे हमेशा चिंतन मनन में लगे रहते थे। अत्यंत दुर्लभ होने पर भी उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी। वे लगातार लोगों को अच्छे काम के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें देखकर लोगों को ऐसा लगता था जैसे बीमारी में भी वे सक्रिय हैं। ऐसे ही 2 साल बीत गए। महात्मा ज्योतिबा फूले इस विपत्ति में भी धैर्यशील बने रहे लेकिन उनके कदम कदम साथ रहने वाली सावित्री बाई के लिए यह भारी आघात था। अपने मित्र पति मित्र गुरु और प्रेरणा स्रोत को इस स्थिति में पाकर उनका कलेजा मुंह को आता था। अपने अकेलेपन को वह केवल ज्योतिबा से ही तो साझा कर सकते थे। अंत में 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा ने इस संसार से विदा ली। धैर्यशील अर्धांगनी सावित्री बाई फूले ने पूरे आदर के साथ उस महामना को अंतिम विदाई दी जिसके साथ जीवन के हर सुख दुख में संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वह
आगे बढ़ी थी। मैं कोट करना चाहती हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने ये कहा कि ज्योतिबा फुले अगर ना होते तो अम्बेडकर अम्बेडकर ना होते। इसलिए मैं आज उनको नमन करती हूँ। अंतिम दो शब्दों में, अगर लोग आपके संघर्ष में शामिल होते हैं तो उनकी जाति मत पूछिए। अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो उनसे मुंह मत मोड़िए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती, इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियां जुड़ती हैं। दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक ही वार है काफी। ये परस्पर जुड़ाव ही है जिसके लिए किसी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नए नए विचार तो दिन भर आते हैं, उन्हें अमल में लाना ही असली संघर्ष है। ये था ज्योतिबा फुले का, उनकी पूरी जीवन यात्रा के छोटे छोटे पहलुओं पर चर्चा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस खंड यात्रा में, जो हम संपूर्णानंद वाले की जो यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा की कड़ी में आज हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चर्चा के साथ साथ ज्योतिबा फुले के ऊपर विस्तार से चर्चा की। इसलिए आज हम संपूर्ण वाङ्मय की कड़ी से केवल एक कोट लेते हैं और आज की वार्ता हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सनातन धर्मार्थ हिंदू के लिए यह बुद्धि से बाहर की बात है कि छुआछूत में कोई दोष है। उसके लिए यह सामान्य और स्वाभाविक बात है। वह इसके लिए किसी प्रकार के पश्चाताप और स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता। आधुनिक छुआछूत को कलंक तो समझता है, लेकिन संघ के सामने चर्चा करने में उसे लज्जा आती है, शायद इससे कि यह सभ्यता विदेशियों के सामने बदनाम हो जाएगी कि इसमें दोषपूर्ण एवं कलंकित प्रणाली या संहिता है जिसका साक्षी छुआछूत है। यह था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय का एक छोटा सा कोट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। एक बार फिर से आप सबको फुले दंपत्ति की कुर्बानी को याद दिलाना चाहती हूँ। दलित बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, वो हमारे आदर्श हैं, हमेशा बने रहें। उनके काम को आगे बढ़ाएं, जितना प्रयास कर सकते हैं हम लोग उतना करें। साहित्य की कड़ी में एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के एक नए विषय के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगी कि दो घंटे के बाद, दो या तीन घंटे के आसपास, यूट्यूब चैनल स्वच्छकार भारत की आवाज़ में फुले दंपति का जो फुले वाड़ा था, जहाँ फुले दंपति रहते थे, वो कुआं, वो स्कूल, वो पेड़, जहाँ दोनों के चित्र अंकित हैं, दोनों की जीवन परिचय भी अंकित है, उसके आप अगर आप देखने का लाभ उठाना चाहें तो आप मेरे चैनल को आप देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी की एक बार फिर से मंगल कामनाएं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।